और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां पर नामांकन के आखिरी दिन 121 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। भोपाल से 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बिरजिया के लिए 117 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। भोपाल उत्तर के 22 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नरेला से 14, भोपाल दक्षिण से 16, भोपाल मध्य से 21, गोविंदपुरा विधानसभा से 19 और हुजूर विधानसभा से 12 नामांकन पत्र जो है वो जमा किए गए हैं। नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, प्रत्याशियों के नामांकन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन 121 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, भोपाल के सभी विधानसभा सीटों को मिलाकर अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जो है प्रत्याशियों के नामांकन का आखिरी दिन था। और अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो शहर की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज करीब 121 नामांकन पत्र जो है फॉर्म जो है प्राप्त हुए हैं। अगर अलग अलग विधानसभाओं की हम बात करें तो बेरसिया के लिए 17 नामांकन फॉर्म, भोपाल उत्तर के लिए 22 नामांकन फॉर्म, नरेला विधानसभा के लिए 14, भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लिए 16 नामांकन और इसी तरह भोपाल मध्य के लिए 21 और गोविंदपुरा विधानसभा के लिए 19 नामांकन पत्र जो है आज भरे गए हैं। तो क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन था और ऐसे में जितने बचे हुए प्रत्याशी थे उन सभी ने आज जाकर के जो है दोपहर 3 बजे जो डेडलाइन थी पहुंच कर अपने अपने फॉर्म भर दिए हैं। करीब 121 प्रत्याशियों ने आज अपने फॉर्म भरे हैं और 21 अक्टूबर को इन सभी फॉर्म की जो है स्क्रूटनी होनी है। उसके बाद 2 नवंबर तक जो है नाम वापस भी ले सकते हैं। अगर किसी प्रत्याशी को लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो 2 नवंबर तक जो है वो अपना नाम वापस ले सकते हैं और वही 17 नवंबर को जो है वोटिंग होगी। तो चूंकि आज का दिन काफी अहम था, हमने देखा कि कई बड़े नेताओं ने भी आज अपना फॉर्म भरा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी अपना फॉर्म भरा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इंदौर में बड़ी रैली निकाली जिसमें कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों ने जो इंदौर के हैं जिसमें जीतू पटवारी भी शामिल है उन्होंने फॉर्म भरा। तो तमाम जितने प्रत्याशी बड़े बचे भी हुए थे उन्होंने आज जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब कल जो है कल इन फॉर्मों की स्क्रूटनी दिन भर चलती रहेगी। जी ठीक है नीलम, आप बने रहिए, अगली खबर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल जो है 121 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना नामांकन पर्चा भरा है भोपाल की सभी विधानसभा सीटों के लिए।